फाइनली दोस्तों Realme एक अपना नया फोन लॉन्च करने जा रहा है जो कि फ्लैगशिप लेयर फोन हो सकता है। इसका नाम है यार Realme GT 5G। वेल स्पेक्स काफी तगड़ी है और जहां तक कहा जा रहा है कि ये Realme का अब तक का सबसे किलर फ्लैगशिप फोन होने वाला है और सबसे चीपेस्ट फोन होने वाला है जो कि स्नैपड्रैगन 888 5G प्रोसेसर के साथ आने वाला है। भले ही Realme या MI ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, फिर भी लोग ये सोचते हैं कि इनकी प्राइस कम हो, क्योंकि यार ये लोग ब्लॉटवेयर, हैवी UI, एड्स ऐसी चीजें देते हैं अपने फोन में। बात करें यार Realme GT 5G की, तो स्पेक्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या स्पेक्स मिलने वाली है। तो डेफिनेटली यार 5G फोन होने वाला है और इसमें 7 5G बैंड्स दिए गए हैं जो कि एक अच्छी बात है। और बात करें यार डिस्प्ले से, तो 120 हर्ट्ज की सुपर एमोल्ड डिस्प्ले दी गई है जो कि 0.43 इंचेस की बड़ी डिस्प्ले है। वहीं बात की जाए OS की यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो Realme UI 2.0 दिया गया है। साथ साथ Android 11 यूज किया है बट Android 12 की तरफ इन्हें शिफ्ट होना चाहिए। चिपसेट की बात करें तो Qualcomm Snapdragon 888 5G 5nm बेस्ड प्रोसेसर यूज किया है जो कि अभी तक का Android वर्ल्ड का सबसे लेटेस्ट और बेस्ट परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर है। और बात की जाए इंटरनल स्टोरेज टाइप की, तो UFS 3.1 स्टोरेज यूज की है। वेल बात करें रियर कैम की, तो ट्रिपल कैम दिया गया है 64 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP। वेल बात करें यार वीडियो क्वालिटी की, तो 4K पर आप 30fps 60fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। वहीं बात की जाए अगर 1080p तक, तो 30fps 60fps 240fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और जायरो EIS का सपोर्ट दिया है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट दिया गया है। सेल्फी कैमरा की बात की जाए तो 16 MP की सेल्फी यूज की है जिससे आप 1080p 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और 3.5 जैक दिया गया है जो कि एक अलग बात है, यूनिक है। अगर एक फ्लैगशिप फोन में देखा जाए तो 3.5 जैक हमें नहीं मिलता है। वेल इसमें इन्होंने ये दिया है कि इनका एक प्लस पॉइंट है। बाकी जो भी छोटे मोटे सेंसर्स होते हैं सारी चीजें दी गई हैं, लाइक NFC है, GPS है, ब्लूटूथ जो भी है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। रेडियो नहीं दिया गया है। वेल मुझे नहीं लगता कि कोई अब फोन में रेडियो यूज करता है। वेल आप यूज करते हो तो प्लीज कमेंट बताओ, मुझे भी पता चले कौन कौन अभी तक रेडियो यूज करता है अपने फोन में। और बात की जाए सेंसर की, तो मैंने बताया जो छोटे मोटे सेंसर होते हैं वो दिए गए हैं। बट फिंगरप्रिंट सेंसर की बात की है तो ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। बैटरी की बात की जाए तो 4500mAh की बैटरी दी गई है। बात की जाए फास्ट चार्जिंग की, तो 65W का डार्ट सुपर फास्ट चार्जर दिया गया है। वेल जो प्राइस आएगी उसको देखा जाएगा, बट जो Realme GT 5G है अगर उसका कोई कॉम्पिटिटर है वो है MI 11X Pro। इसकी प्राइस यार अराउंड 40,000 है और Realme GT की प्राइस आने के बाद पता चलेगा कि क्या प्राइस होने वाली है। कुछ केसेस में GT आगे रहता है, कुछ केसेस में 11X। वेल आने के बाद एक रिव्यू मिलेगा, काफी अच्छे से पता चलेगा कि कौन ज्यादा बेहतर है। ऑन पेपर जो भी डिटेल है उसके अकॉर्डिंग अगर जज किया जाए फोन को, तो देखो दोनों 5G फोन है। और बात किया डिस्प्ले की, दोनों सुपर एमोल्ड 120 हर्ट्ज पैनल के साथ आते हैं। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो Realme में आपको Realme UI मिलता है और MI UI मिलता है MI में। ये तो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उन पर डिपेंड करता है। लेकिन चिपसेट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, Qualcomm Snapdragon 888 5G 5nm बेस्ड, और GPU भी दोनों में सेम यूज किया गया है Adreno 660। और जहां तक बात की जाए स्टोरेज टाइप की, तो हाँ वो भी एग्जैक्टली सेम है, UFS 3.1। जब बात करते हैं यार रियर कैम की, तो डिफरेंस बढ़ जाता है, 64 + 8 + 2 MP दिया गया है Realme GT में। अगर बात करें वही MI 11X की, तो 108 MP + 8 MP + 5 MP तीन कैमरे यूज किए गए हैं। अब इमेज को तभी जज करेंगे जब Realme भी अपना कोई इमेज लॉन्च करता है एक बेहतर। वैसे मैंने कुछ सैंपल देखे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ थोड़ा स्लाइटली MI का जो कैमरा है वो बेटर निकलता है, बहुत स्लाइटली, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ही फाड़ दिया इन लोगों ने, बट हाँ बेहतर है। बात करें जहाँ तक वीडियो क्वालिटी की, तो मैंने आपको बताया है कि Realme GT में आप 4K पर 30fps 60fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और 1080p पर आप 30fps 60fps 240fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और जायरो EIS दिया गया है। बट वहीं बात करें यार MI 11X Pro की, तो ये कंपटीशन काफी आगे निकल जाता है। 8K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30fps, 4K पर वही 30fps 60fps, 1080p पर 30fps 60fps 120fps 240fps एंड 960fps भी जा सकते हो। सेल्फी कैम में भी मेगापिक्सल आ गया है, 20 MP का कैमरा दिया गया है 11X Pro में, और मैंने GT में तो आपको बताया ही 16 MP। Realme थोड़ा कैमरे के मामले में आगे निकल जाता है। और हाँ MI 11X में NFC नहीं दिया गया है, लेकिन Realme GT में NFC दिया गया है। Redmi की सबसे बुरी आदत मुझे लगती है, भले AMOLED डिस्प्ले देता है बट
माउंटेड फिंगरप्रिंट देगा। मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता साइड माउंट, मेरे फोन उसमें भी साइड माउंटेड है बट पर्सनली मुझे पसंद नहीं है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। और GT यहाँ पर खेल जाता है ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देकर। बैटरी की बात की जाए तो 4500mAh आपको GT मिलता है और 4520mAh आपको मिलता है 11X में। बहुत स्लाइटली डिफरेंस है। लेकिन चार्जिंग स्पीड की बात की जाए तो GT थोड़ा सा आगे निकलता है, थोड़ा सा क्या बहुत आगे निकलता है। 65W का डार्ट चार्जर देता है जो कि 35 मिनट में 100% फोन को चार्ज कर देगा ऑन पेपर। वही बात की जाए MI 11X Pro की तो 33W का फास्ट चार्जर मिलता है जो कि 52 मिनट में फुल्ली बैटरी को चार्ज कर देगा ऑन पेपर। और प्राइस की बात की जाए तो यार 40,000 के अराउंड जाता है MI 11X। और GT ऑफिशियली अभी कुछ नहीं कहा जाता, कहीं पर 35,000 के अराउंड बताया जा रहा है, कहीं पर 40,000 के अराउंड बताया जा रहा है। जहां तक मुझे लगता है कि Realme अब तक का सबसे चीपेस्ट फोन लॉन्च करेगी जो कि Qualcomm Snapdragon 888 के साथ आएगा। वेल वो आने के बाद देखेंगे, मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ। वेल वो आने के बाद देखा जाएगा। बाकी अगर आप अंडर 20,000 एक बेस्ट 5G फोन चूज करना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो, और अगर आप अंडर 20,000 एक बेस्ट 4G स्मार्टफोन चूज करना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देख सकते हो।